हेलो एवरीवन, पूनम सुक्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ चार स्पेशल टाइप की केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें आज मैं आप लोग के साथ मावा केक, ब्रिटानिया केक, मैंगो फ्यूजन चॉकलेट केक और मैंगो सूजी केक की रेसिपी शेयर करूँगी। सभी एकदम मॉइस्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। कोई भी बिगनर बहुत ही ईजिली इन सब चीज़ों को फॉलो भी कर पाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए रेसिपीज़ को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे मावा केक, जो बहुत ही टेस्टी है और नट से पूरा भरपूर रहेगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने मैदा का यूज़ किया है। आप चाहे तो हेल्दी बनाने के लिए आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर चलिए इस बहुत ही टेस्टी से मावा केक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मावा बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है दूध और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप मिल्क पाउडर। यहाँ पर ना हम इंस्टेंट वाला मावा बना रहे हैं, जो आपका सिर्फ 10 मिनट में ही बन जाएगा, ठीक है। तो दूध को जला जला कर मावा बनाने में क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने मिल्क पाउडर को दूध के साथ अच्छे से मिक्स किया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, इसे गैस के फ्लेम के ऊपर चढ़ा देंगे। जैसे ही आप इसे गैस के फ्लेम के ऊपर रखेंगे ना, ये थोड़ा पतला होने लगेगा, बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप लो फ्लेम पर रखिए और इसे लगातार चलाते जाइए, और हमें इसे गाढ़ा होने तक पकाना है, ठीक है। और इसका टेस्ट एकदम वैसा ही आता है जैसे कि आप दूध को जला जला कर मावा बनाते हो, एकदम सेम उसी तरह का इसका भी टेस्ट होगा। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, जब इंस्टेंट बनता है तो हम इसे जल्दी से बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिखा रही हूँ। ये इस तरह से गाढ़ा होने लगेगा और ना इस तरह से एक साथ आ जाएगा, और इस स्टेज पर मैं इसमें आधा चम्मच घी डाल दूंगी, जिससे कि ये पैन को एकदम अच्छी तरह से छोड़ भी देगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा। साथ ही घी डालने से मावा में एक अलग सा शाइन भी आता है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए घी डालकर मैं इसे 2 मिनट तक और कुक करूँगी। और मावा को मैंने लो फ्लेम पर ही बनाया है, और जब मावा इस तरह से डो की तरह बनने लगेगा तो हम अपनी गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और मावा को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। मावा रेडी हो गया है, अब हम अपने केक के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कप और आधा कप यानी कि टोटल 1.5 कप मैदा डाला है, और इसी के साथ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। और अब इन सबको अच्छे से छान लेंगे। यहाँ पर छानना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, छानने से मैदा का वॉल्यूम बढ़ता है, साथ ही अगर इसमें कोई गांठ वगैरह होगा तो वो भी निकल जाएगा। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, और अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गया है, इसे अभी साइड में रख देंगे। अभी हम चलते हैं अपने केक टिन के पास। यहाँ पर मैंने 7 इंच डायमीटर का केक टिन लिया है, और आप चाहे तो घर के किसी भी बर्तन में भी केक को बेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टील का बर्तन आपको दिखा दिया है, अभी इस टाइप के भी बर्तन में आप बेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऑयल डालना है, और ऑयल को ना एकदम अच्छे से केक टिन में स्प्रेड करना है। अब अगर आपके पास बटर पेपर है तो फिर बटर पेपर यूज़ कर लीजिए, लेकिन बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बटर पेपर नहीं है, तो आप इस तरह से 1 चम्मच मैदा डालिएगा केक टिन में, और अच्छे से जैसे कि मैं साइड्स में भी लगा रही हूँ उसी तरह से मैदा को स्प्रेड कर लेना है, अच्छे से कोटिंग होना चाहिए मैदा का। और ये जो बचा हुआ मैदा है इसे आप इस तरह से टैप करके निकाल दीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, केक टिन रेडी हो गया। अब प्रीहीट करने के लिए अपने बर्तन को भी रख देते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह का बड़ा पतीला लिया है, नीचे पे स्टैंड रख देंगे और ऊपर से लिड लगा देंगे। 10 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे प्रीहीट होने देंगे। आप चाहे तो कढ़ाई को भी प्रीहीट करके केक को बना सकते हैं। एंड नाउ मैंने यहाँ पे लिया है हल्का गर्म दूध, गुनगुना दूध होना चाहिए। इसमें हम ना 7 से 8 केसर के धागे डाल देंगे, इसे मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। अब मावा केक बना रहे हैं तो इसमें केसर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इसलिए ठीक है। और अब यहाँ पर हमने जो मावा बनाया था इसे मैंने कप में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप देख सकते हो ये 3/4 कप बना है टोटल, ठीक है। और ये जो मावा है ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे जब आ जाएगा तभी आपको केक में यूज़ करना है। तो जब ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो ही हम इसे केक को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। कोई भी गर्म या ठंडी चीज़ हम केक को बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मावा को क्रम्बल कर लिया अपने हाथों से, और एकदम हल्का गर्म दूध लिया है मैंने, 1/4 कप दूध है, इसे ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे। और इसे तब तक मिक्स करना है जब तक मावा अच्छे से घुल नहीं जाता दूध के साथ और स्मूथ नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये एकदम स्मूथ हो चुका है अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून लिया है इलायची पाउडर, और इसे मैंने घर पे ही बनाया है इस पाउडर को, और इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी
टोटल 3/4 कप चीनी, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप ऐड किया है और फिर 1/4 कप ऐड किया है, मतलब अगर टोटल देखें तो 3/4 कप चीनी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, किसी भी फ्लेवर्ड ऑयल जैसे कि सरसों तेल का यूज़ नहीं करना है। इसके बाद जो हमने केसर वाला दूध भिगो कर रखा था इसे भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी, ठीक है। और अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसे तब तक मिक्स करना है जब तक तेल और दूध अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। ये आप देख सकते हैं सब चीज़ एकदम अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हमने जो अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके रखा था, मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को मिलाकर, तो वो वाला हम इसमें एक एक चम्मच करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके आप इस वेट इंग्रेडिएंट्स में इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। और दोस्तों अभी क्रिसमस भी आने वाला है, हम हर साल क्रिसमस पर प्लम केक ट्राई करते हैं। आप इस साल मावा केक ट्राई करके देखिए, इंडियन फ्यूजन के साथ है और ये केक आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और साथ ही मैंने आप लोग के साथ प्लम केक की भी रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उस रेसिपी को भी चेक कर सकते हैं। और मैंने आप लोग के साथ कई फ्लेवर्स में प्लम केक भी शेयर किया है, मैंगो प्लम केक, ऑरेंज प्लम केक और साथ ही बनाना प्लम केक भी शेयर किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो प्लीज़ देखिएगा, सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैटर को बना लिया है, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी है मैंने इसमें रूम टेम्परेचर वाला दूध डाला है और इसका स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर बनाया है। वैसे दूध की कोई फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, दूध की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी हो सकती है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ आलमंड्स डाल रही हूँ, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा पिस्ता है। मैंने थोड़ा सा नट्स ऊपर के डेकोरेशन के लिए बचा लिया है, इसलिए अंदर में थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ी कंसिस्टेंसी नहीं करनी है, लेकिन बहुत पतला कंसिस्टेंसी भी आपको इसका नहीं रखना है, हल्का सा थिक कंसिस्टेंसी का ये बैटर होगा। ये आप देख सकते हैं इसे केक टिन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। 2 से 3 बार इसे अच्छे से टैप कर लेंगे और ऊपर से कटे हुए आलमंड्स, कैशियोज और पिस्ता से इसे डेकोरेट भी करेंगे। इसी के ऊपर से मैंने थोड़ा सा केसर के धागे को भी डाल दिया है, ये देख सकते हैं आप, और टैप करके प्री हीटेड बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आप देखिए सावधानी से ट्रांसफ़र करना है क्योंकि बर्तन अभी काफ़ी गर्म होता है, तो लिड को लगा देंगे और केक को बनने में 35-40 मिनट्स का वक्त लग जाता है। केक को आपको लो फ्लेम पे ही बेक करना है, तो मैंने यहाँ पर केक को इसी तरह से बेक होने दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर केक बहुत ही अच्छा फूल रहा है और फूलने के वजह से जो सारे नट्स हैं वो मिडिल में आ गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, आधे घंटे के बाद मैंने थोड़े से और नट्स को साइड में लगाकर लिड को लगा दिया था। और आपको ये प्रोसेस को आधे घंटे के बाद ही करना है, अगर आपका नट्स सेंटर में नहीं आता है तब आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर केक को 40 मिनट्स के बाद चेक किया था और केक बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है। आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन निकला है। और अगर आपका टूथपिक क्लीन नहीं निकलता है तो आप इसे ढक कर 5 मिनट तक और बेक कीजिएगा लो फ्लेम पर ही। तो यहाँ पर हमारा केक बेक हो गया है और मैंने अपनी गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और केक के टिन को बाहर निकाल लेंगे। इसे कपड़े से ढककर आपको एटलीस्ट 2 घंटे तक ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो देखिए इसने खुद ही साइड्स को लूज़ कर दिया है। और अब मैं चाकू की मदद से इस तरह से हल्का सा इसे रोटेट करके लूज़ कर लूँगी और एक प्लेट के ऊपर रखकर थोड़ा सा टैप करूँगी। और देखिए हमारा केक बहुत ही ईजिली निकल आया है, ये बिल्कुल भी नहीं जला है और एकदम परफेक्ट कलर का हमारा केक बना है। और आप देख सकते हैं हमारा जो केक टिन है ये भी बिल्कुल नहीं जला है, बहुत ही ईजिली ये क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इस तरह से मैदा का यूज़ करके भी आप केक को बहुत ही ईजिली बना सकेंगे। तो यहाँ पर मैं केक को प्लेट के ऊपर रखकर टर्न कर ले रही हूँ और देख सकते हैं आप केक एकदम सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है। मैं आपको केक को वेट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा केक लगभग 900 ग्राम या फिर 2 पाउंड का केक हमारा बनकर रेडी है। तो आप पूरे मेजरमेंट को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, वीडियो में जैसा मैंने दिखाया है वैसा ही कीजिएगा, आपका भी परफेक्ट 2 पाउंड का केक बने। नेक्स्ट हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट ब्रिटानिया स्टाइल केक और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा, टूटी फ्रूटी से भरपूर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर और अब हम इसे मिक्स करेंगे। और अभी हमने अपने गैस के फ्लेम को लो ही रखा है, जब तक इसका लम्स ख़त्म नहीं होता तब तक आपको मिक्स करते रहना होगा। और इसके बाद हम अपने फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, वरना मिल्क पाउडर तले से चिपक जाता है। तो इसलिए आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा, धीरे धीरे दूध गाढ़ा होने लगेगा बिल्कुल इस तरह से। तो मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 कप और 2 चम्मच चीनी,
यहाँ पर जो हम चीनी की क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं ये पूरे केक के हिसाब से मैंने डाला है, मतलब एक्स्ट्रा हमें चीनी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी केक में। तो यहाँ पर हमने आधा कप और दो चम्मच चीनी का यूज़ किया है। इन केस अगर आपके पास ये मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक कप दूध की क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं, यानी कि टोटल दो कप दूध लेकर उसे गाढ़ा कर इतनी थिकनेस तक आपको लेकर आना होगा। ये आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होगी कि स्पैचुला को अच्छे से कोट कर ले रहा है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चम्मच जितना बटर। बटर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, तो इसको आप स्किप ना करें, ठीक है। और ये भी हो गया, अब हम अपनी गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारा यहाँ पर मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। तो अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ना एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे और तब तक अपने बाकी के प्रिपरेशंस को भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तैयार करेंगे केक टिन। इसके लिए मैंने यहाँ पर बटर पेपर को चार साइड से इस तरह से कट किया है और यहाँ पर आज मैं इस तरह का रेक्टेंगल शेप का केक टिन यूज़ करूँगी और ये जो बटर पेपर है ना ये इसके अंदर इस तरह से अच्छे से लगा देंगे। आप किसी भी केक मोल्ड में इस केक को बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में एक स्टैंड रखा है और इसे मैं यहाँ पर एक थाली से ढक रही हूँ, ठीक है। याद रखिएगा कि इस थाली के साइड से ना कहीं से भी हवा नहीं निकलना चाहिए, वरना केक अच्छा फूलेगा नहीं, ठीक है। तो इस कढ़ाई को आप 10 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से प्रीहीट होने दीजिएगा और जब तक हमारा कढ़ाई प्रीहीट होगा तब तक हम अपने केक के बैटर को भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन, रेड और येलो कलर का टूटी फ्रूटी। आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया है आलमंड्स, वॉलनट्स और थोड़ा सा काजू है, इसे भी मैंने कट किया है, और थोड़ा सा किशमिश है और थोड़ा सा ब्लैक रेजन्स भी मैं इसमें डाल रही हूँ। एक चम्मच मैदा डालकर हम सबको अच्छे से कोट करके साइड में रखेंगे। वैसे तो ब्रिटानिया केक में सिर्फ टूटी फ्रूटी ही डाले जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो इसमें मैंने थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जिससे इसका टेस्ट बढ़ भी जाएगा और ये हेल्दी भी हो जाएगा। अब हमने ये जो दूध को गाढ़ा करके रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है और रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो इसके ऊपर से हम छन्नी रख कर इसमें डालेंगे एक कप और आधा कप मैदा। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। छाना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। छानने के बाद मैं इसमें डालूंगी दो चुटकी जितना नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, एकदम हल्का सा दो चुटकी जितना डालेंगे और इन सबको अब मिक्स करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। और आप देख सकते हो बैटर किस तरह से थिक होने लगा है। तो जब बैटर ना थिक होने लगे तो हम इसमें दूध डालेंगे। दूध की कोई यहाँ पे फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, आपको कम ज़्यादा भी लग सकता है। और एक बात का ध्यान रखें कि दूध ना नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। केक बनाते समय ना हर एक इंग्रेडिएंट को आप नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रखिएगा। इसमें हम वापस से छन्नी रखकर एक चम्मच डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, इसके ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल के इसे भी बैटर में मिक्स करेंगे। इससे इसका कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत ही बढ़ जाता है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। ये ब्रिटानिया केक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब ये जो हमने नट्स को मैदा से कोट करके रखा था उसे भी ऐड करेंगे और धीरे धीरे से कट एंड फोल्ड मेथड की मदद से इस तरह से बैटर में मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट है हमारा बैटर। बैटर की कंसिस्टेंसी ना बहुत पतला नहीं करना है, हल्का सा थिक ही रखना है इस तरह से, या देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा वनीला एसेंस, यहाँ पर मैंने 6 से 7 ड्रॉप डाला है। और इसके बाद मैं इसमें एक चम्मच डालूंगी विनेगर। अब यहाँ पर विनेगर को आप एकदम लाइटली मिक्स कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स यहाँ पर आपको नहीं करना है। और बैटर बनाने के बाद ना तुरंत ही अब इसे हम केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे, वरना विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन अगर ख़त्म हो जाएगा तो हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दी से बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे, 2 से 3 बार टैप करेंगे। और इसे ना मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और टूटी फ्रूटी के साथ इसे डेकोरेट किया है, ठीक है। इसके बाद जो हमने कढ़ाई को प्रीहीट किया था उसमें हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे सावधानी से और इसके ऊपर से हम लिड को भी लगा देंगे। तो अब हमें केक को 40 से 45 मिनट्स के लिए बेक करना है, वो भी लो फ्लेम पर। और यहाँ पर मैंने केक को 35 मिनट्स के बाद एक बार चेक किया था, तो आप देख सकते हो टूथपिक में ना यहाँ पे बैटर लगा हुआ है, तो हमारा केक बेक नहीं हुआ है। तो मैंने इसे और भी 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसी तरह से ढककर बेक किया था और यहाँ पर टोटल 45 मिनट्स के बाद मैंने इसे वापस से ओपन किया है और आप देख सकते हो केक बहुत ही अच्छा फूला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए टूथपिक एकदम क्लीन निकला है, तो हमारे यहाँ पर केक बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम ना अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे बाहर।
अब हम इसको ढक देंगे और एटलीस्ट एक घंटे के लिए अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने दो घंटे के बाद केक को इस तरह से बहुत ईजिली केक टिन से निकाला है और अब मैं आपको एक बार इसको वेट करके भी दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं केक हमारा यहाँ पे 640 ग्राम का बना है, यानी कि अप्रॉक्स 1.5 पाउंड का ये केक है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब मैं आपको इसको बटर पेपर से निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी ये पीछे साइड से जला नहीं है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे एकदम परफेक्ट यहाँ पर हमारा केक बना है। ये देखने में जितना सुंदर दिख रहा है, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है और एकदम परफेक्ट आपको ब्रिटानिया स्टाइल का ये केक का टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं इस केक को अब कट कर रही हूँ। आप इसके अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पॉन्जी। ये आप देखिए, है ना, ये एकदम परफेक्ट केक। तो आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप देख सकते हो इसके हर एक जगह इसमें आपको टूटी फ्रूटी और नट दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी सा केक, एकदम सॉफ्ट है। आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ब्रिटानिया स्टाइल केक बहुत ही पसंद आएगा। हमारी तीसरी रेसिपी है मैंगो फ्यूजन चॉकलेट केक, जो बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अभी मैंगो के सीज़न में इस केक को ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आम लिया है और इसको हम छील लेंगे और इसके पल्प को हमें निकालना है। और यहाँ पर आप आम को टेस्ट करके देख सकते हैं ताकि आप उसी हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर पाए। तो मेरा तो यहाँ पर आम काफ़ी मीठा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें आगे एक चम्मच चीनी ऐड करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने कट करके इस तरह से निकाल लिया है। आधे आम का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है आज, और ये मिक्सी जार में ना हम इस आम को डाल देंगे। सो यहाँ पर ना इस मिक्सी जार में मैंने पहले शुगर को ही ब्लेंड करके शुगर पाउडर बनाया था, तो इसलिए मैं इसी मिक्सी जार का यूज़ कर रही हूँ। इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैंने चीनी डाला है और इसको ब्लेंड करके पल्प बना लेंगे। अभी ना इसको साइड में रखेंगे। इसके बाद ना मैंने ये स्क्वायर शेप का केक टिन लिया है और ना अच्छे से इसको ऑयल से पहले ग्रीस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बटर पेपर लेंगे और इस तरह से आपको लगाना है। बटर पेपर को ना मैंने थोड़ा सा बड़ा ही कट किया है जिससे कि ना हमारा केक बहुत ही ईजिली निकल जाए। और यहाँ पर ना मैंने दो साइड में इस तरह से बटर पेपर लगाया है। सो हमारे यहाँ पर केक टिन रेडी है, इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पर ना एक मैंने बड़ा पतीला लिया है और नीचे में स्टैंड रख देंगे। ऊपर से हम इसके लिड लगा देंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको प्रीहीट होने देंगे। तब तक ना हम अपने केक के बैटर को बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल में मैंने लिया है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर ना मैंने सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है। इसके बाद नहीं, आधा कप से 1 चम्मच कम है ये शुगर पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर चम्मच के हिसाब से देखा जाए तो 5 बड़ा चम्मच शुगर पाउडर डाल रही हूँ। इसके बाद ना यहाँ पर ये मैंने 3 चम्मच लिया है कंडेंस मिल्क, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बट अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो ना आप चीनी की क्वांटिटी को आधा कप करके डालिएगा और साथ ही 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके बाद 1/4 कप मैंने दूध डाला है और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम अच्छे से स्मूथ हो जाने तक मिक्स करना होगा। तो ये हो गया है। इसके बाद इसके ऊपर से एक छन्नी रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ ये 3/4 कप मैदा, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा है ये, इसको मैंने ऐड किया। इसी के साथ 1 चुटकी मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ। और अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डाल रहे हैं तो इसी स्टेज पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल दीजिएगा। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को ना अच्छे से छान लेंगे और इसके बाद एक विस्कर की मदद से इस तरह से हम इसे धीरे धीरे से विस्क करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर दूध की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आज मुझे यहाँ पर दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी है तो मैं इसमें एक्स्ट्रा दूध ऐड अभी नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल कंसिस्टेंसी का जो बैटर होता है ना, उसे हल्का सा थिक रखा है मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को। अब ना मैंने यहाँ पर ये आधा कप लिया है और इस बैटर को ना आधे कप वाले कप में मैं डाल रही हूँ। सो यहाँ पर ये मैंने आधा कप डाल लिया और इसको ना यहाँ पर मैं अलग बोल में रख लूँगी। इस तरह से इसको साइड कर देंगे अभी, तो अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रही हूँ ना, मैं बैटर को अलग अलग कर रही हूँ, मतलब मैं बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, और इक्वल क्वांटिटी में आपको डिवाइड करना है, इसलिए मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। तो यहाँ पर आधा कप मैंने और साइड में निकाल के रख लिया है। इसके बाद ना बोल में 2 चम्मच जितना बैटर बचा है तो 1 चम्मच निकाल के दूसरे वाले बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। सो फाइनली आपको ना बैटर को हाफ हाफ डिवाइड करना होगा और इसको एक सेपरेट बोल में निकालना होगा। ठीक है, अब एक बोल में ना मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 चम्मच कोकोआ पाउडर और इसको ना अच्छे से छान लेंगे। ठीक है, और इसके बाद ना मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी और इसको बैटर में मिक्स कर लूँगी। ठीक है, तो ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर वाला रेडी है बैटर। और इसके बाद दूसरा जो है ना वो हम मैंगो फ्लेवर का बनाएंगे। तो कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए,
ठीक है, इस तरह से होगी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, लेकिन हल्का सा थिक रहेगा ना तो ठीक रहेगा। इसके बाद जो हमने मैंगो पल्प बनाया था ना, वो हम दूसरे वाले बैटर में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। सो ये हमारा मैंगो फ्लेवर वाला बैटर बन गया। तो हमारे यहाँ पे दोनों बैटर रेडी हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून दूसरे वाले में भी बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अब 1/4 टीस्पून का आधा बेकिंग सोडा डाल रही हूँ इस तरह से, ठीक है। दोनों बैटर मैंने ऐड कर लिया। थोड़ा सा दूध डालकर इसको एक्टिवेट कर लेंगे और इसके बाद ना दोनों ही बैटर में लाइटली हम इसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है इस स्टेज पर, और बेकिंग सोडा और पाउडर को आप लास्ट में ही ऐड कीजिएगा, वरना केक अच्छा फूलेगा नहीं। सो इसलिए यहाँ पर मैंने डिवाइड करने के बाद, सब कुछ मिक्स करने के बाद लास्ट में इसको ऐड किया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये दोनों बैटर रेडी है। अब जल्दी से ना इसको केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले ना ये चॉकलेट वाला जो बैटर है ना, इसको मैं डाल रही हूँ, अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। और अब एक चम्मच की मदद से ना इसके ऊपर हम अपने मैंगो वाले बैटर को डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से स्प्रेड करेंगे और इसके बाद ना अच्छे से इसको इवन करना है। अब एक टूथपिक ले लीजिए या फिर नाइफ से भी आप ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको स्लैंटिंग पोजीशन में रख के ट्विस्ट करते जाना है इस तरह से, देखिए। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो चॉकलेट वाला बैटर है ना, वो मैंगो वाले बैटर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए वो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने किया है और ऊपर से ना थोड़ा सा चॉको चिप्स लगा देंगे। सो बस ये रेडी है। थोड़ा सा टैप करके इसको हम अपने प्री हीटेड बर्तन में डाल देंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से गर्म हो चुका है। सो बस इसको सावधानी से हम प्लेस करेंगे और इसके बाद ऊपर से लिड लगा देंगे, ठीक है। सो बस अब ना हमें केक को बेक होने के लिए रखना है। केक को बेक होने में 30 से 35 मिनट का वक्त लगेगा। आप इसको एक बार ना 25 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। लो फ्लेम पर बेक करना है और टाइम ना आपका 5 से 10 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सबका गैस फ्लेम डिफरेंट होता है ना। सो यहाँ पर केक बहुत ही अच्छा फूला है और 30 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। केक इतना अच्छा फूला है कि मुझे इसमें टूथपिक डालकर चेक करने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही निकाल लिया, लेकिन मेरा केक पूरा अच्छे से बेक हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। इसको मैंने निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए अच्छे से छोड़ देंगे। लगभग 30 से 35 मिनट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने केक को अच्छे से ठंडा किया है। इसके बाद ना मैं इसको बहुत ईजिली इस तरह से डीमोल्ड कर लूँगी। सो यहाँ पर आप देखिए, पेपर को हम अच्छे से निकाल देते हैं और हमारा यहाँ पर ये फ्यूजन केक बिल्कुल रेडी है। आप देखिए, नीचे साइड से बिल्कुल भी जला नहीं है, बहुत ही अच्छा कलर भी आया है और एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। सो एकदम परफेक्ट केक लग रहा है। मैं अब आपको इसको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये जो साइड का एजेस है ना, इसको मैं कट कर लेती हूँ ताकि हमने जो अंदर में पैटर्न बनाया था वो अच्छे से विजिबल हो जाए। सो ये देखिए, इस तरह से हमने कुछ पैटर्न बनाया है और ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एकदम सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, आप देख सकते हैं। इसके टेक्सचर को मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये एकदम सॉफ्ट है, आपको कट करने के अंदाज से पता लग रहा होगा। और इसमें जो चॉकलेट और मैंगो का दो फ्लेवर आएगा ना, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए आप, अंदर से इसका टेक्सचर देख के लग रहा है ना एकदम परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट है। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी, लेकिन आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट। आप इस रेसिपी को पूरे अच्छे से फॉलो कीजिएगा, आपका भी सेम टेक्सचर का केक बनेगा। हमारी लास्ट रेसिपी है ये मैंगो सूजी केक, जो एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है और बहुत ही हेल्दी बनेगा, क्योंकि आज हम इसमें सूजी का यूज़ करेंगे। एकदम ये परफेक्ट केक की रेसिपी, आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा आप लोग को। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आज ना मैं आपको सभी इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट कप और ग्राम दोनों में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने वेइंग मशीन के ऊपर एक बोल रखा है और इसके वेट को माइनस कर देंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कप और आधा, यानी कि टोटल डेढ़ कप यहाँ पर मैंने सूजी लिया है। और अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये 250 ग्राम के आसपास होगा। और इसमें हम क्या करेंगे कि एक कप दूध लिया है मैंने और थोड़ा थोड़ा करके ना सूजी के साथ मिक्स करते जाएंगे। और क्योंकि आज हम सूजी का केक बना रहे हैं, तो सूजी को ना फूलने का समय चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक कप दूध डाल देंगे और इसके बाद मिक्स कर देंगे इसी के साथ। आप देख सकते हैं दूध को मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि दूध को सूजी अब्सॉर्ब कर लेगा। अब हम इसे ढक देंगे और इसको आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक सूजी फूलेगा, तब तक बाकी के प्रिपरेशंस को कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कप लिया है और इसमें मैं 3/4 कप चीनी लूँगी। और अगर ग्राम्स में देखा जाए तो 150 ग्राम के आसपास हमने यहाँ पे चीनी का यूज़ किया है, ठीक है। और इसी के साथ आज हम मैंगो केक बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने दो आम लिया है, पके हुए हैं ये आम। ग्राम्स में देखा जाए तो 350 ग्राम के आसपास है। हमें क्या करना है, आम का पल्प निकालना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो में दिखाए गए तरीके से आप बहुत ही ईजिली पल्प को निकाल सकते हैं।
ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ना आप आम को टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपका आम खट्टा है तो आप इसमें एक कप चीनी का यूज़ कीजिएगा, मेरा तो मीठा है तो मैं यहाँ पर 3/4 कप चीनी का ही यूज़ करूँगी। पल्प को मैं निकाल कर मिक्सी जार में डाल लूँगी और इसके बाद जो हमने 150 ग्राम चीनी रखा हुआ है वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे और अब इन दोनों को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर एकदम फाइन आप इसको ब्लेंड करने का कोशिश कीजिएगा, ये देख सकते हैं आप एकदम फाइन है। अब चलते हैं अपने सूजी के बैटर के पास, ये भी आधे घंटे के बाद एकदम अच्छे से फूल चुका है, आप देख सकते हैं इसने दूध को अब्सॉर्ब कर लिया है और ये थिक हो गया है पहले से। तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप के आसपास दूध डाला है और मिक्स कर देंगे और ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। आप देख सकते हैं सूजी के दाने अभी बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये जो आम वाला हमने मिक्सर बनाया हुआ है इसी में हम ये सूजी के मिक्सर को डाल देंगे। मैं यहाँ पर दो बार में सूजी के मिक्सर को डालकर ब्लेंड करूँगी क्योंकि ये एक बार में पूरा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और ये एकदम फाइन सा इस तरह से हो गया है, ये आप देखिए। तो आप जितना फाइन कर सके उतना फाइन कर लीजिएगा और ये अब जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डालकर वापस से ब्लेंड कर लिया है। तो ये एकदम हमारा बैटर तैयार हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है और ये जो हमने पहले ब्लेंड करके रखा था वो भी हम इसी में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखेंगे और इसके बाद चलते हैं अपने कढ़ाई को प्रीहीट करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई लिया है, नीचे में स्टैंड रख देंगे, ऊपर से लिड लगा देंगे और 10 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर हम प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे और जब तक ये प्रीहीट होगा तब तक अपने बाकी के प्रिपरेशंस को देख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये रेक्टेंगल शेप का केक टिन लिया है, आप किसी भी शेप का केक टिन का यूज़ कर सकते हैं। नीचे में मैं पार्चमेंट पेपर लगा दूंगी, तो केक टिन रेडी है, अभी हम इसे साइड में रख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं वापस से अपने बैटर के पास और यहाँ पर इस बैटर में मैं डालूंगी 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। इस ऑयल में कोई भी स्मेल नहीं होना चाहिए शार्प, और आपको यहाँ पे शार्प स्मेल के तेल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, इन सब ऑयल्स का यूज़ नहीं करना है। तो ऑयल को भी हम बैटर के साथ ही मिक्स कर देंगे, एकदम अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मिक्स हो गया, एकदम परफेक्ट स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर है। और मैं आपको ना बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, अगर आप बैटर को थिक कर देंगे ना तो आपका केक ऊपर से फट जाता है और अगर आप बैटर को पतला कर देंगे तो ये नीचे जाकर बैठ जाता है केक और हमारा केक अच्छा नहीं बनता है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर टूटी फ्रूटी लिया है और इसी के साथ मेरे पास थोड़ा सा आम पापड़ भी था जिसे मैंने इस तरह से कट करके छोटे छोटे पीसेस में ऐड किया है। इस पर मैं आधा चम्मच मैदा डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ऐसे करने से क्या होगा ना कि टूटी फ्रूटी और आम पापड़ ना केक के हर एक साइड में अच्छे से पहुँचेंगे और हर जगह इवनली स्प्रेड होगा, ठीक है, नीचे जाके बैठेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये भी हो गया है, अब इस टूटी फ्रूटी वाले मिक्सचर को हम अपने केक के बैटर में ही ऐड कर देंगे। वैसे ये टूटी फ्रूटी को ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है और इसी के साथ ना मैं इसमें थोड़ा सा नट्स भी ऐड करूँगी जिससे कि थोड़ा और हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आलमंड्स और पिस्ता भी ऐड किया है और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से बैटर के साथ हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करना, टूटी फ्रूटी ऐड करना सब ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चम्मच बेकिंग सोडा। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा दूध डालकर इसको एक्टिवेट कर देंगे और अब हम इसको धीरे धीरे से लाइटली बैटर में मिक्स कर लेंगे। और बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को मिक्स करने के बाद तुरंत ही आपको केक को बेक करने रखना होगा वरना हमारा केक ख़राब हो जाएगा और ये अच्छा से फूलता नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए आप बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी रहेगी और अब हम इसको अपने प्रिपेयर किए हुए केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रहेगी। हमने यहाँ पर अपने केक बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है, इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा नट्स और टूटी फ्रूटी से इसे डेकोरेट कर दूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस ऊपर से देखने में लुक अच्छा आएगा इसलिए मैंने इसको ऐसे डेकोरेट किया है। ठीक है, और इसके बाद जो हमने अपने कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रखा था उसमें हम इसको सावधानी से डाल देंगे क्योंकि कढ़ाई अभी काफ़ी गर्म होता है, इसलिए केयरफुली इसको डालेंगे और लिड को लगा देंगे। केक को बेक होने में 45-50 मिनट्स का वक्त लग जाता है, वो भी लो फ्लेम पर। अवन में बेक करने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे कन्वेक्शन मोड पे आप इसको बेक कीजिएगा 50 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर मैंने 50 मिनट्स के बाद एक बार केक को चेक किया है और यहाँ पर टूथपिक या फिर नाइफ को डालकर आप देखिएगा, हमारा यहाँ पर टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है। तो हमारे यहाँ पर केक रेडी है, अगर आपके टूथपिक में बैटर लगा हुआ रहता है तो आप इसको 5 मिनट तक इस तरह से लो फ्लेम पर और बेक कीजिएगा। ठीक है, हम इसको निकाल लेंगे और ढक कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको डीमोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था, आप देख सकते हैं बहुत ईजीली ये डीमोल्ड हो गया है। और साइड से बटर पेपर को हम यहाँ से हटा देंगे इस तरह से,
ये आप देखिए, धीरे धीरे से मैं आपसे इसको निकाल लेंगे। कलर आप देख सकते हैं साइड्स का एकदम परफेक्ट है और एकदम परफेक्टली ये बेक हुआ है। ये आप देखिए, मैं आपको एक बार इसको वेट करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ना ये 713 ग्राम्स का हुआ है, मतलब 700 ग्राम्स का हमारा ये केक बना है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी कलरफुल, और कलर भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है। मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ, ये एकदम सॉफ्ट है, आपको कट करने के अंदाज से मेरे समझ में आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस मैंगो केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी कई सारे केक्स के लिंक प्रोवाइड किए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत दिखाई देती है तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।